आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं ये किस्मत से मिला तू तब खुद से मिली मैं, यकीन है तुझी में बसी में हो, हिस्सा है मेरा और जन्नत भी मेरा, ऐसे सजी हूँ जैसे वजूद है मेरा। मेहरबान मेहरबान तू ही रब मेरा, मेहरबान मेहरबान तू ही सब मेरा, मेहरबान। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप जान रहे हो, मैं आफ्टर इफेक्ट्स की ट्यूटोरियल आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आफ्टर इफेक्ट्स 2022 जो मैंने इंस्टॉल की है न्यू, और ये है एक टेम्पलेट, इसका नाम है स्वीट मेमोरीज। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे एडिट करता है। तो गाइस, इस तरह का AEP फाइल आपको आएगा, आफ्टर इफेक्ट्स की .AEP फाइल आती है। तो इसे जस्ट डबल क्लिक करना है आपको, तो ये आफ्टर इफेक्ट्स में ओपन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट डबल क्लिक कीजिए AEP फाइल में और ये आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ इस तरह के खुल जाएंगे। तो ये कुछ वार्निंग बोलेगा गाइस, कुछ नहीं करना है इसे, बस आप ओके कर दो और ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स में। ये आफ्टर इफेक्ट्स की प्रोजेक्ट ओपन हो गई है। और मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा गाइज, मैं इजी वे में बस बताऊंगा कि कैसे एडिट करते हैं किसी भी टेम्पलेट या फिर प्रोजेक्ट को आफ्टर इफेक्ट्स में। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेन विंडो है मेन कॉम्पोजिशन की। तो यहाँ मैग्निफिकेशन को आप फिट टू स्क्रीन कर लो, ताकि आपको पूरा स्क्रीन में दिख जाए कि क्या क्या चीज़ दिख रही है। आप इसे जूम भी कर सकते हो बाद में अपने हिसाब से। तो मैं इसे फिट टू स्क्रीन कर लूँगा। और ये गाइस टाइमलाइन है जहाँ पे एडिट होती है फ़ोटोज़ और टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ। और ये राइट साइड में आपका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पैनल्स है, इसमें इफ़ेक्ट्स ऑडियो कैरेक्टर पैराग्राफ सारा कुछ आती है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या यूज़ आती है, क्या इसको कैसे यूज करते हैं। जनरली आप कैरेक्टर में करके रख सकते हो, क्योंकि कैरेक्टर में टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए हमें यूज होती है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे एडिट कैसे करते हैं इस टेम्पलेट को। ये मैंने फिट कर लिया। और ये लेफ्ट हैंड साइड में गाइस, ये आप देख सकते हो, इधर आपको PL और टेक्स्ट दो चीज़ लिखी हुई है। तो ये पहला सीन है, ये ओपनिंग टाइटल्स है। इसमें आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे या फिर इसमें भी आप डबल क्लिक कर सकते हो। तो गाइस ये खुलेगा, ये फर्स्ट ओपनिंग टाइटल है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट है गाइस, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से स्क्रॉल करके ये टेक्स्ट दिख रहा होगा। तो अगर आपको टेक्स्ट कुछ चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में ये TTT ये टेक्स्ट दिया हुआ है, आप इधर से देख सकते हो, इसको हाइड एंड शो करके ये चेंज हो रही है गाइस। तो इसमें आप जब डबल क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा और आप इधर से कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इधर से चेंज करता हूँ इसे इटर्नल लेयर। और अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है गाइस, तो इसे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इधर से करेक्टर्स में, इधर से आप कोई सा भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो इधर से मैं फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ इसका, ये फॉन्ट कर देता हूँ इटर्नल्स लेयर, इधर स्पेस डाल देता हूँ। चलिए ठीक है। उसके बाद स्वीट मेमोरीज न्यू आफ्टर इफेक्ट्स टेम्पलेट, इसे भी आप चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। स्वीट मेमोरीज कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा लेफ्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड, ताकि थोड़ा एक जैसा लगे। और मेमोरीज को भी थोड़ा बीच में ले आता हूँ। चलिए ये ठीक है। तो गाइस, इस तरह करके आप सिलेक्शन करके
इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो इधर है, इधर से आप लेयर्स नेम से सेलेक्ट करके फिर आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। आप इस ये भी एडिट कर सकते हो, न्यू आउटर इफेक्ट्स टेम्पलेट वगैरह कुछ अगर चेंज करनी है तो। इधर मैं कर देता हूँ स्वीट मेमोरीज 2022, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ 50, 50 थोड़ा बड़ा हो गया, 40 कर देता हूँ, परफेक्ट। सो अभी ये हो गया इंटरनल लेयर स्वीट मेमोरीज 2022, जैसा कि आप देख सक रहे हो ये ऐसा हो गया। तो गाइज ये ओपनिंग टाइटल कंप्लीट हो गया है, तो अब ये हम बंद कर देते हैं और मेन कॉम्प में फिर आ जाते हैं। और ये सेकंड स्लाइड जो है वो फोटो स्लाइड है, तो ये प्लेस होल्डर है, PL मतलब प्लेस होल्डर। इधर आपको फोटोज इंसर्ट करनी होगी अपनी, तो प्लेस होल्डर ओपन कर लेता हूँ 1। और इधर राइट ये पोर्शन में आप राइट क्लिक कर सकते हो, तो इधर से ब्राउज आ जाएगा, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना है, फ़ोटो ऑडियो कोई भी चीज़, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। गाइस तो यहाँ से फाइल में जाऊँगा, उसके बाद फिर आप ब्राउज कर लो जहाँ भी आपके फ़ोटोज़ है। मैं इधर ब्राउज कर लेता हूँ, इधर कुछ एडिटेड फ़ोटोज़ है, मैं वो डाल देता हूँ एक, पहले एक फ़ोटो डाल के आपको दिखाता हूँ गाइस, इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी ये फ़ोटोज़। इसको आपको कुछ नहीं करना है गाइस, इसको आपको PL इमेज प्लेस होल्डर को इसको ओपन करना है और यहाँ लिखा हुआ है डोंट डिलीट मी, तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो आप फोटो। तो जस्ट ये फ़ोटो को खींच के इसके ऊपर आप लगा दो, उसके बाद इसको फिट करने के लिए स्क्रीन में लेयर्स में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके आप फिट टू हाइट एंड विथ कर सकते हो। तो ये विथ करने से ऊपर का पोर्शन कट जा रहा है, तो मैं इसे लेयर्स में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके फिर से फिट टू हाइट करूँगा गाइस। तो अब आप देख सक रहे हो स्क्रीन में फिट करके, अब आप देख सक रहे हो कि ये फ़ोटो फिट हो गई। अगर इसको राइट लेफ्ट करना है तो आप एरो की से राइट लेफ्ट कर सकते हो, तो मैं इसे बीच में कर देता हूँ ताकि ये कंपोजिशन थोड़ी ठीक लगे। अब ठीक है गाइस, अब इसे बंद कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट प्लेस होल्डर हो गया गाइस PL1। और PL1 का आप कुछ टेक्स्ट लिखना है, इधर आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो इधर दिखेगा हेलो माई लव, हेलो माई ड्रीम। तो इसे अगर एडिट करना है तो टेक्स्ट 1 में जाके इसे एडिट कर सकते हो आप। तो इसे मैं एडिट करने बताता हूँ कैसे करते हो। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके इधर आप चेंज हो जाएगा। तो इसे मैं कर देता हूँ रिसेप्शन सूट गया बिहार, और ये टेक्स्ट हो गई गाइस। तो अब आप देख सकते हो इधर फोटो, पहला फ़ोटो PL1 और टेक्स्ट भी फर्स्ट टेक्स्ट आपका आ जा रहा है रिसेप्शन सूट गया। तो इसी तरह करके गाइस नेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो PL2। इस PL2 सेम उसी तरह यहाँ राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट में जाना है और फाइल इंपोर्ट कर लेना है जो भी आपको चाहिए। मैं अब दूसरी फाइल इंपोर्ट करता हूँ गाइस, इधर एक फाइल पड़ी हुई है राहुल टाटा, इधर से मैं एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ ये वाली, और इसे PL1 इमेज को ओपन करके यहाँ पे सेकेंड फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर डाल देना। और गाइस सेम लेयर्स पे जाके ट्रांसफॉर्म में जाके फिट टू कॉम्प हाइट कर देना है, तो ये फिट हो जाएगा इस राइट लेफ्ट करके। आप एडजस्ट कर लो कहाँ पे आपको पोजीशन चाहिए, फिर आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। और अगर टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ माई कॉन्सुलेशन, इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ वेडिंग सूट जमशेदपुर, वेडिंग सूट जमशेदपुर। टेक्स्ट को क्लोज कर देता हूँ गाइस, तो आप इधर देख सकते हो PL2 सेकंड प्लेस होल्डर में दूसरी फोटो आ गई है, और इधर भी टेक्स्ट भी आ गया है वेडिंग सूट जमशेदपुर का। तो गाइस इस तरह करके आप फर्स्ट एंड सेकंड मैंने कर लिया, इस तरह करके आप अब थर्ड में जाओगे, इधर थर्ड है PL3, इधर थर्ड में जाओगे तो थर्ड फोटो भी इधर इंसर्ट कर सकते हो, फिर सेम आप टेक्स्ट इंसर्ट कर दो।
इस तरह करते हुए गाइज आपको टोटल इस टेम्पलेट में टोटल 20 फोटो प्लेस होल्डर्स है और 15 टेक्स्ट है। आप सबका टेक्स्ट प्लस फोटो चेंज कर सकते हो और ये कंप्लीट हो जाएगा गाइज, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे प्लेस होल्डर्स को चेंज करके, टेक्स्ट को चेंज करके फाइनल आउटपुट आपको दिखा दूंगा। तो गाइज ये हो गया एडिट करने का तरीका। तो ये एडिट करने के बाद आप रेंडर कैसे करोगे, मतलब इसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे, वो मैं बता दे रहा हूँ गाइज। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद, ये पूरा 20 फोटोज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फाइल में जाना है। इधर आप फाइल में जाओगे, उसके बाद एक्सपोर्ट में इधर जाना, एक्सपोर्ट में जाने के बाद ऐड टू रेंडर क्यू क्लिक करना है। तो ये कुछ एक डायलॉग न्यू खुलेगा, इसमें आपको इधर से बेस्ट सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। अगर फुल HD में चाहिए, अगर हाफ में चाहिए, 960 पे चाहिए, तो आप कर सकते हो। कभी कभी ये 4K में भी आता है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कैसे बना हुआ है, कितना रेजोल्यूशन में। मैं इसे फुल HD में रहने देता हूँ। और यहाँ से गाइस आप आउटपुट फोल्डर डिसाइड कर सकते हो, कहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए, सी ड्राइव में चाहिए, डी ड्राइव में चाहिए, डेस्कटॉप पे चाहिए, जहाँ पे भी आपको चाहिए आप वो आउटपुट करके सेव कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे रेंडर स्टार्ट कर दो। तो मैं आप एक बार रेंडर स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ गाइज। तो ये मैंने रेंडर स्टार्ट कर दिया। इधर आपको गाइज लिखा जाएगा इलैप्स्ड, मतलब कितना टाइम से ये रेंडर चल रहा है और कितने मिनट में ये कंप्लीट होगा। ये अप्रॉक्स एक टाइम बता देता है, जैसे 4 मिनट लगेगा इसे कंप्लीट होने में और ये 15 सेकेंड से चल रहा है। और इधर आप डिटेल देख सकते हो गाइज, ये धीरे धीरे एक एक फ्रेम करके रेंडर होते जाती है। आप आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रेंडर होने में, जैसे आपकी मशीन रहेगी उस हिसाब से ये रेंडर होता है। तो गाइज यही एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ इस वीडियो के बाद। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और ये फर्स्ट वीडियो है तो इस तरह की वीडियो आते रहेगी आफ्टर इफेक्ट्स की। मैं वेडिंग इन्विटेशन, स्लाइड शो, बर्थडे टेम्पलेट्स वगैरह डालता रहूँगा, अगर आपको सीखना है मेरे साथ। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।